चैनल आशा फैशन और मैं हूँ ऐशा आर्या। और आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट होने वाला है ना ऑयलिंग। ऑयलिंग से याद आया, बहुत सारे मार्केट्स में अलग अलग ब्रांड्स में मिलते हैं ऑयल्स, यानी कि हेयर ऑयल मिलते हैं, ओनियन ऑयल वाव के मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनको यूज़ मत कीजिए, उनको भी यूज़ कीजिए, उनको भी परचेज कीजिए, बट क्या हो ऐसा कि अगर हम घर पर ही ओनियन ऑयल बना लें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव यूज़। तो गाइस खर्चा क्या लगने वाला, जीरो। और इंग्रीडियंट्स क्या लगने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और हमारा हेयर ऑयल बनके तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, टिकाऊ है, इतना इफेक्टिव यूज़फुल है और किफ़ायती बहुत ही ज़्यादा है। इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं जो आप सोचोगे भी ना, तो आराम से चौंकने वाले हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए प्रोसेस क्या है। तो लेट्स रोल ऑन, यह बड़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट टाइम तक ज़रूर देखना, इसके बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट लेंगे ना वो है कोकोनट ऑयल। आपको एक कप कोकोनट ऑयल लेना है। सेकंड आप लेंगे ओनियन, उसको चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे एंड देन उसको बॉईल कर लेना है, दोनों को मिक्स करके बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा ऑयल और उसको छन्नी की हेल्प से छान लेना। ओनियन हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे पैराशूट ऑयल हाफ कप और चॉप्ड ऑनियन यानी कि एक प्याज, कटी हुई प्याज, दोनों को ही बॉयलर मेथड में हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो हमने कंटेनर में इसको बॉयल करने के लिए धीमी आंच में इसको बॉईल करना है। थोड़ी देर बाद ये आराम से ऑयल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको छान लेंगे। या मैं छान रही हूँ और हमारा ओनियन हेयर ऑयल बनके तैयार है, पूरा निकाल लेंगे। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 to 2 months के लिए, जितने चाहे अमाउंट में आप बना सकते हैं। तो ये हमारा रेडी है ओनियन हेयर ऑयल, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हेयर्स में मैं बात करूँ ना तो दो तरह के प्रॉब्लम्स हमको हमेशा ही घेरे रहते हैं। पहला कि हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लंबी नहीं हो रहे हमारे बाल और ग्रोथ ही नहीं हो रही, बढ़ ही नहीं रहे। दूसरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, इतने झड़ रहे हैं बाल, हमेशा ये दोनों प्रॉब्लम्स घेरे रहते हैं हमको इधर किधर। बट हाँ, अगर आप ये हेयर ऑयल लगाते हैं कोकोनट ऑयल प्लस ओनियन को चॉप करके इसका ऑयल बना के जब आप लगाते हैं, तो ये दोनों ही ऐसा एजेंट है जो आपके हेयर को नरिश करता है, स्मूथ बनाता है, ताकि आपके हेयर फॉल्स ना हो सकें, ताकि आपके हेयर जो है ना इतने सारे लंबे हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखें, बहुत शाइन भी करें। ये दोनों ही एजेंट काफ़ी अच्छा काम करते हैं, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी अच्छे तरीके से हट जाती है और दूसरी हेयर ग्रोथ भी बहुत तरीके से होता है, यानी कि हेयर रीग्रोथिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो डेफिनेटली ये दोनों ही एजेंट आपको इस रेमेडीज़ में लगेंगे और इन दोनों ही आपके किचन में ज़रूर होंगे। कोकोनट ऑयल तो आप हमेशा यूज़ करते ही होंगे हेयर के लिए और ओनियन तो हमारे किचन में। और ये है वो हेयर ऑयल जो मैंने बनाया है और इसको मैं डेफिनेटली यूज़ करती रहती हूँ, वीक में एक दो बार ही तो लगा ही लेती हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना है, वीक में एक या दो बार लगाना है, ज़्यादा बार नहीं लगाना है, रात में लगाना है और सुबह। ये हेयर ऑयल आपको डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना चाहिए, इसको भी इंक्लूड कीजिए अपने स्किन केयर रूटीन। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 to 2 months आराम से, चाहो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहो तो आप बाहर भी रख सकते हैं। इस टाइम विंटर का सीज़न है तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, महक नहीं आएगी और आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो आप फ्रिज में रख लो, फिर बाहर निकालो, फिर यूज़ करो, या तो आप बाहर रखे हैं 10-15 दिन के लिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए, फिर जब यूज़ करना हो तो उसके 2-3 घंटे पहले बाहर निकालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा यही यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं यूज़ करना है। तो डेफ़िनेटली आपको ये वाला रेमेडीज़ अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा सस्ता, किफ़ायती, इफेक्टिव, यूज़फुल है और साथ ही साथ पैसे क्या लग रहे हैं, बहुत ही कम पैसे लग रहे हैं। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हम मार्केट से क्यों लें, इतने अच्छे अच्छे हेयर ऑयल मिलते हैं मार्केट में, ओनियन ऑयल, हेयर ऑयल, पर हम क्यों लें उनको जब हम घर पे ही ओनियन ऑयल को बना सकते हैं। तो आपको ये डेफिनेटली ये वाली रेमेडीज ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो इसको कर देना है लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेक श्योर आपके बेल बटन को ज़रूर हिट कर देना, जिससे क्या होगा ना आपको मेरी आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और मेरे और आपके बीच कनेक्शन की कोई दूरी नहीं रहेगी। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, स्टे होम, बाय बाय।